Hello students, welcome to our channel Creative Classes by Mr. Balin Sharma. Students, आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको समझना है. स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. सॉल्व 9x² - 9a + b into x + 2a² + 5ab + 2b² = 0. इसको करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्स्टेंट टर्म को फैक्टराइज करना होगा. 2a² + 5ab + 2b² 2 2 = 4, 5 can be written as 4 + 1. 2a² + 4ab + ab + 2b² इसमें से 2a कॉमन आएगा, 2a into a + 2b. स्टूडेंट, इसमें से b कॉमन आएगा, b into a + 2b. a प्लस टू बी कंप्लीट से कॉमन आ जाएगा, अंदर बनेगा 2a + b. इसको फैक्टराइज करने के बाद इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट बना. अब जब इसकी मल्टीप्लाई 9 में होगी तो हमारा बनेगा 9 into this. अब हम 9a + b को उसी तरीके से लिखेंगे. 9a + b को हम लिखने वाले हैं 3 into 3a + b. अब मैं 3 की मल्टीप्लाई एंटर कर रहा हूं, 3a + 3b. 3 into 3a को मैंने लिखा a + 2a और 3b को लिखा 2b + b. अब मैंने 3 की मल्टीप्लाई एंटर की, 3a + 2b + 3 into 2a + b. अब हम इसमें 9 into a + b के स्थान पर इसको रखेंगे और 2a² + 5ab + 2b² के स्थान पर a + 2b into 2a + b रखेंगे. तो ये बनेगा 9x² - जब हम इसके स्थान पर इनको रखेंगे और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो दोनों माइनस के हो जाएंगे और x की मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो -3 into a + 2b into x - 3 into 2a + b into x प्लस इसके स्थान पर इसको रखेंगे a + 2b into 2a + b = 0. इसमें से कॉमन आ जाएगा 3x, तो यहां पर बनेगा 3x - a + 2b. इसमें से कॉमन आ जाएगा 2a + b, तो जैसे 2a + b कॉमन आ जाएगा अंदर बनेगा 3x - क्योंकि माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएंगे, a + 2b = 0. कंप्लीट से कॉमन आ जाएगा 3x - a + 2b, अंदर बचेगा 3x - 2a + b = 0. टू नंबर्स का प्रोडक्ट कब जीरो होता है? या तो फर्स्ट नंबर जीरो या सेकंड नंबर जीरो. तो हमारा ये बनेगा 3x - a + 2b = 0 और 3x - 2a + b = 0. ये नंबर माइनस का है जाके प्लस का,
3x equals to a plus 2b और 3x equals to 2a plus b. यहां से x की वैल्यू बनेगी x equals to a plus 2b upon 3 और यहां से x की वैल्यू बनेगी 2a plus b upon 3. यही हमारा सॉल्यूशन होगा.